हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, अज की इस वीडियो दे विच असी मैथ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शेयर कर जा रहे हैं, जो कि संबंधित है मेरिटोरियस एंट्रेंस एग्जाम के नाल संबंधित है। इस वीडियो विच पंजा मैथ के इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करन तो पहला, अगर तुसी इस चैनल पर नवे हो, अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहला चैनल नूं सबसक्राइब करो, तो इस बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इनफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे, वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस ही जो अज मैथ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन असी अज डिस्कस करांगे। तो सब तो पहला क्वेश्चन नंबर है जो 51 है, जिस है कि के दा मान, जिस दे विच समीकरण है 2x + 32y + 3 = 0, 3x + 48y + k = 0 ते अनगिनत हल हैं, जिन्हों से कहने इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन। तो इस दे विच के दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस दे विच सब तो पहला जिहड़ी इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन वाली कंडीशन होंदी है, तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। जो तीनों की कंडीशन इक्वल होंगी असं कहने इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन। तो इस असी वैल्यू पुट करा, a1 साढ़े को 2 है, a2 किन्ना 3 है, उस तो बाद b1 32 है, b2 48 है, उस तो बाद c1 3 है एंड c2 k है। तो इस असी वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। उस तो बाद वैल्यू पुट करन तो बाद स्क्रीन दे देख सकते हो, ये साढ़े को आ गया 2 by 3 = 3 by k। इक्वेशन इक्वल है, इन जी मर्जी इक्वेशन ले सकते हो ताकि असी के दी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो तो इसनों असी क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो ये आ जाएगा साढ़े को 2k = 9 और के दी वैल्यू आ जाएगी 9/2। के दी वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो ए इज़ द राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, जिस दे विच है कि दो संख्यावां दा जोड़ 46 है। जेकर वड्डी संख्या छोटी संख्या ते 5 गुना है तां 4 वध होवे तां वड्डी संख्या दसनी है। तो इस दे विच अगर असी पहली संख्या नूं, एक संख्या नूं असी एक्स मान लैने हां, तो दूजी संख्या नूं असी 46 - x कर लैने, क्योंकि दो संख्या का जोड़ सानूं दिता गया है 46। तो अगर एक संख्या असी एक्स मानांगे तो दूसरी आ जाएगी 46 - x, ठीक है जी। और कहिंदा कि जेकर वड्डी संख्या छोटी संख्या दे 5 गुना तो 4 वध है, तो इहदा अगर असीं 5 गुना करके 4 वध कर दिए तो आ जाएगा 46 - x। तो जो इनू असी सॉल्व करांगे तो एक्स की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी जी, एक्स की वैल्यू साढ़े को कितनी आ जाएगी 7। तो साढ़े को वड्डी संख्या कि 46 - x है, 46 विचो जो असी 7 माइनस करांगे तो ये साढ़े को आ जाएगा जी 39 आ जाएगा, जो 46 चो माइनस असी 7 करांगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, जिस दे विच है कि बहुपद है एक्स की पावर 3 है, ब्रैकेट विच है x2 + x² + x⁵ की घात दसनी है। तो जदों असी ब्रैकेट ब्रेक करांगे तो ये ब्रैकेट साढ़े को इस तरह बन जाएगी 2x³ + x⁵ + x⁸। तो उस दे विच घात जिहड़ी मैक्सीमम घात होंदी है वह दसनी है। तो इस दे विच इसकी जो पावर है ओ 8, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, जिस दे विच है कि जदों 2x² - 5x + 7 और नूं एक्स माइनस 1 दे नाल वंडिया जावे तां वो बाकी की बचेगा, नूं असीं कहिंदे आ रिमाइंडर थ्योरम दा फार्मूला लगा के इहनूं कैलकुलेशन कर सकते हैं। सानूं पता है कि एक्स माइनस 1 दे नाल अगर डिवाइड कर दें तो x - 1 = की होंदा 0 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। तो जिहड़ी इक्वेशन सानू गिवन दिती है 2x² - 5x + 7, असी 1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 का स्केयर आ गया, -1 आ गया, तो इसकी कैलकुलेशन करांगे साडे को आंसर आ जाएगा जी 4,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आ जाएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है और जिस दे विच है कि एक प्रमेय अते अप्रमेय संख्या का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर उदा की आएगा इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर जो इसका आंसर आएगा अप्रमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि क्वेश्चन नंबर 56 है जिस दे विच वर्गमूल 2 अते माइनस वर्गमूल 2 का जोड़ बराबर होएगा ए प्रमेय संख्या बनेगी या अप्रमेय संख्या बनेगी। जो तो वर्गमूल 2 नूं असीं प्लस करांगे माइनस वर्गमूल 2 दे नाल साडे को आंसर की आ जाएगा 0। तो 0 की होंदी है प्रमेय संख्या क्योंकि प्रमेय संख्या की कंडीशन होंदी है पी बाय क्यू और क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो साडे को आंसर 0 है, इसनूं 0 बाई 1 कर सकते हैं, इस करके इसका आंसर आएगा जी प्रमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है जिस विच तीन लड़ीवार अंकों के वर्गों का जोड़ 50 होवे ता अंक होंगे। तो इस दे विच तीन लड़ीवार अंकों के वर्गों का जोड़ उसदे विच तुसी ले सकते हो। ऑप्शन फस्ट है अगर असी 3 का स्केयर करते हैं 9 आ जाता है, 4 का स्केयर कर देने 16 आ जाता है, 5 का स्केयर कर देने 25 आ जाता है, साढ़े को टोटल जोड़ कितना आ जाता है 50। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फस्ट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 है जिस विच कि जेकर समीकरण एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे मूल अल्फा ते बीटा होन, ठीक है जी, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस दे विच असी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू असी बड़े आसानी दे नाल फाइंड आउट कर सकते हैं। सब तो पहला असी इनू सॉल्व करेंगे अल्फा बाय बीटा, तो बीटा बाई अल्फा इस एलसीएम आ जाएगा अल्फा, इनू असी चेंज कर लेंगे अल्फा स्केयर आ जाना साढ़े को इधर आ जाना बीटा स्केयर। तो जो असी इनू चेंज करेंगे तो इनू चेंज करेंगे अल्फा प्लस बीटे का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा साढ़े को होंगे सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा होंगे साढ़े को प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इस इक्वेशन असी सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के इस इक्वेशन असी इसकी वैल्यू पुट करांगे तो साढ़े को आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा जी माइनस 1, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है जिस दे विच है कि एक क्रिकेट बैट 280 रुपये का खरीदा गया तो 560 रुपये का बेच दिता गया तो लाभ प्रतिशत दसो, ठीक है जी। क्रिकेट बैट है जोड़ा कि परचेज किया 280 रुपये का, उन्होंने सोल्ड कर दिता 560 रुपये का प्रॉफिट दसना है और कोस्ट प्राइस 280 है, सैलिंग प्राइस किन्नी है 560 है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट साढ़े को आ जाएगा 280 तो प्रॉफिट परसेंट कटना, यानी कि सेम ही अगर चीज़ डबल हो रही है तो पता चल जाएगा सीधा ही आंसर आ जाएगा 100%। 280 की कोस्ट है तो 560 रुपये का असं सैलिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी सानू 280 हो रहा है, यदा मीनस हो गया 100% सानू प्रॉफिट है, सीधा ही क्वेश्चन तुम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है जिस दे विच है कि दो अंक एक तीजे अंक तो 30 अते 37 प्रतिशत घट हैं तो दूजा अंक पहले अंक नालों किन्ने प्रतिशत होएगा। तो इनू तुसी इस तरह कर सकते हो, साडे को पहला अंक आ गया, एक सैकंड आ गया तो एक थर्ड आ गया। पहला कहिंदा 30 है तो दूसरा 37 प्रतिशत घट है, तो अगर 30 घटा दें तो पहले साढ़े को आ जाएगा 70, दूसरे का आ जाएगा 63 और तीसरा की होएगा 100% अगर अं लाने हैं तो 70 और 63 दे विच तुसी डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना आ गया 7 7 है, तो 7 कितना आ जाएगा टोटल कितना ही 70 इंटू 100 करांगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, 0 नाल 7 आ 7 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10%, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आ जाएगा जी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहिंदा कि द सेल प्राइस ऑफ वाशिंग मशीन जी है 17658 इनकलूसिव ऑफ सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 8% द लीस्ट प्राइस ऑफ द वाशिंग मशीन, ये तुसी कैलकुलेट करनी है कि कपड़े धोन की एक मशीन का वेच मुल इन्ना और जिस दे विच 8% दे दर दे नाल विक्री कर भी शामिल है। तो अगर असी इस क्वेश्चन नूं पहला तुसी कोस्ट प्राइस सिलेक्ट कर लो, एक्स कर लो, सेल टैक्स कितना आ जाएगा 8%, तो कोस्ट प्राइस दे ऊपर ही इसका जो है
सेल टैक्स लगेगा जो असी सेल करांगे नू, तो सेल टैक्स लगेगा। तो सेल प्रा सेल टैक्स जो असी कैलकुलेशन करांगे तो ये एक्स के उपर जो असी सेल टैक्स कैलकुलेट करांगे तो ये साढ़े को आ जाएगा सेल टैक्स आ जाएगा 108x/100। तो साढ़े को इस दे विच जो सेलिंग प्राइस है वो सानू दित्ती दी है। तो जो असी एक्स की वैल्यू कढ़ांगे तो तुसी कैलकुलेशन करोगे तो तुहाडे को आंसर आएगा 16,350। इसका आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस का। नैक्सट क्वेश्चन है 63 है, जिस दे विच है कि एक अंक गणितिक लड़ी है और nth पद का पता करन दा सूत्र दसना है और इसका फॉर्मूला है तुसी दसना है। इसका फॉर्मूला होंदा है अगर असी nth टर्म दसनी है तो tn आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 × d। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 है और जिस दे विच है कि समानांतर अंक गणितिक लड़ी है AP, जिस दे विच है 2, 4, 6, 8, 10 का सांझा अंतर करना। सांझा अंतर नूं असीं कहिंदे कॉमन डिफरेंस डी। तो वो हुंदा साडे कोल सैकंड टर्म च फस्ट टर्म माइनस कर दो तुहाडे कोल सांझा अंतर आ जाएगा। 4 विच 2 माइनस कीते 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन समानांतर अंक गणितिक लड़ी दे विच एन पद दा जोड़ फल सानू फार्मूला दिता है 2n² + 3n है तो दसवां पद कैलकुलेट करना है। यदा मीनस कि एन टर्म किन्नी है 10। तो एन की जगह असी वैल्यू पुट कर देंगे 2n² + 3n आ गया साढ़े को 10। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 230। इज़ द राइट ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 है, जिस दे विच है कि पहलियां 100 वास्तविक संख्या का जोड़ फल कितना होएगा। वास्तविक संख्या जिन्हों असी कहने हैं नेचुरल नंबर 1 तो स्टार्ट होंगे और जोड़ा असी जोड़ फल का यानी कि सम का फार्मूला कैलकुलेट करते हैं SN तो शुरू करते हैं। यह आ जाता n/2 ब्रैकेट से आ गया 2a + n-1 × d। तो इस एन कि आ गया साढ़े को नैचुरल संख्या कि है ये आ गई 100 × 2 ए साढ़े को जी सीरीज़ है 1 आ जाएगा 2 × 1 + n-1 कि आ गया 99 × d। तो डी भी कि आ गया 1। तो जो असी इसकी कैलकुलेशन करांगे तो साढ़े को कैलकुलेशन इन जो कैंसल करांगे 100/2 आ जाएगा 50। अंदर ब्रैकेट सोल्व करांगे 101 इनू मल्टीप्लाई करांगे तो 5050 इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन ए है 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहिंदा कि जेकर a² + b + c, b² + c + a, c² + a + b लड़ी होए तां हेठ लिखिया किहड़ा कथन जोड़ा सच होएगा। तो इनू असी कह सकने ए बी ते सी ये की होंगे ए पी होंदा अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, जिस दे विच है कि 68 क्वेश्चन है कि बिंदु 2, 5 जिस चौथाई विच होएगा। और ये तुसी ग्राफ देख सकते हो, एक साइड साढ़े को x डैश उधर y ते y डैश आ जाता है। इनू असी इस तरह कर लेने x डैश ते y डैश। हुण इधर साढ़े को पॉजिटिव नंबर आ जाते, इधर भी पॉजिटिव नंबर आ जाते, इधर साढ़े को नैगेटिव नंबर आ जाते, इधर भी नैगेटिव नंबर आ जाते हैं। जो साढ़े को 2 यानी कि x 2 और y 5, तो ये पॉइंट आएगा फस्ट यानी कि पहली चौथाई दे विच आएगा, जहाँ कह सकते हो फस्ट क्वाड्रेंट दे विच आएगा। दूसरे नंबर विच एक माइनस है तो दूसरा प्लस आएगा, ये आ जाता सैकंड क्वाड्रेंट च। तीसरे क्वाड्रेंट च दोनों ही माइनस एक्स और वाई की वैल्यू नैगेटिव होंदी है और चौथे क्वाड्रेंट दे विच एक प्लस ते एक माइनस। तो इस कारण इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आ जाएगा जी फस्ट क्वाड्रेंट दे विच आएगा, क्योंकि दोनों ही नंबर जो है एक्स और वाई ये पॉजिटिव है। नैक्सट क्वेश्चन है 69 है, जिस दे विच बिंदु ए दिता है, बी दिता है, सी दिता है, नू त्रिकोण केंद्रक दे निर्देश अंक होणगे। इनू सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाने हैं। इस दे विच फार्मूला साढ़े को लग जाता कि x1 + x2 + x3/3, उधरों आएंगे साढ़े को y1 + y2 + y3, इनू असी डिवाइड कर देने हैं 3 दे नाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी है।
नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, जिस दे विच है कि एक रेखाखंड की लंबाई है वह 10 है, जेकर एक अंत बिंदु 2-3 है तो दूजे अंत बिंदु का बोझ 10 होएगा तो उस बिंदु के निर्देश अंक हो गए। तो ये साढ़े को अगर रेखाखंड लैने इस डिस्टेंस 10 है, एक पॉइंट आ गया 2-3 और दूसरा पॉइंट आएगा 10, दूसरे में असं बी लैट कर लें तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा के वो एक्स की तुसी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो आंसर आए ना ऑप्शन डी है, 3 आएगा जां -9 आएगा, इस फार्मूले दे नाल तुसी इनू कैलकुलेट कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है, जिस दे विच बिंदु 4-4 और 6-4 नूं मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स मिड पॉइंट तुसी कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट जो तुम कैलकुलेट करना है तो मिड पॉइंट आ जाता साढ़े को फार्मूला X1 से X2 इनू डिवाइड 2 ना कर देने, उधर आ जाएगा Y1 + Y2 इन्हें भी डिवाइड 2 ना करा साडा आंसर आ जाएगा। तो इस आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी है, एक 5 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है द पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पैरीमीटर गिवन है और यह बिंदु दिते है तो इसका असी परिमाप करना है। पैरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल ए है और जिदे पॉइंट है 3-1, 7-4, 11-1 तो इसका असी पैरीमीटर फाइंड आउट करना। तो पैरीमीटर वास्ते सानू पहला डिस्टेंस का फार्मूला लगा के पहला सानू ए बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर बी सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ए सी कैलकुलेट करके तो असी इसका जो है पैरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 18 इसका आंसर आना है, बड़ी आसानी के नाल तुसी इनू कैलकुलेट कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन है 73 है, जिस दे विच है सीकेंट स्केयर प्लस कोसिकन स्केयर एक्स समी समरीकी रूप नाल बराबर होएगा, ये जिहड़ी आइडेंटिटी है किस दे इक्वल होएगी। सीकेंट स्केयर जिस तरह तुसीं देख सकते हो सीकेंट स्केयर थीटा प्लस कोसिकन स्केयर थीटा, तो सीकेंट नूं असीं चेंज कर लिया 1 cos² और इधरों असीं कोसीकेंट नूं चेंज करने 1 sin² थीटा तो इसका एलसीएम आ जाएगा cos² थीटा तो sin² थीटा उपर आ जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू आ जाना 1 तो साढ़े को आ जाएगा 1/1 आ गया साढ़े को sin² थीटा तो 1 आ गया साढ़े को cos² थीटा तेनों असं जो कैलकुलेशन करांगे तेनों असं इस तरह चेंज कर सकते हैं, 1 आ जाएगा साढ़े को कोसीकेंट स्केयर थीटा तो 1 आ जाएगा सीकेंट स्केयर थीटा, मल्टीप्लाई दे विच आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को थीटे का मान पता करना है, जिस दे विच cos² थीटा cot² थीटा -cos² थीटा इज इक्वल टू 3 है तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाना साढ़े को जी 60 डिग्री। अगर तुसी इनू कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट कर सकते हो, पहला साढ़े को आ जाएगा cos² थीटा और नीचे कोट है तो कोट नू तुसी चेंज कर सकते हो cos² थीटा -sin² थीटा और माइनस साढ़े को cos² थीटा ऑलरेडी गिवन है तो जो इनू असी एलसीएम लैके सॉल्व करांगे उपर तो सेम ही रहेगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा तो sin² थीटा कोस तुम cos² थीटा कॉमन कर लो तो 1 sin² थीटा आ जाएगा, कोस ना कोस कैंसल हो जाना ये थोड़े को आ जाएगा sin² थीटा नीचे आ जाएगा 1 sin है इनू तुम चेंज कर लो कि cos² थीटा तो कोई चीज़ बन जानी है जो तो सूँ पता कि sin² थीटा तो cos² थीटा ये बन जाता साढ़े को जी tan² थीटा तो यदि वैल्यू कि दिती दी है 3 तो tan की वैल्यू जो करांगे असी तो 3 का स्केयर रूट आ जाएगा तो tan थीटा जो अंडर रूट स्केयर दे विच हुंदा है तो इसका आंसर आता है 60 डिग्री, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है, जिस दे विच है sin 90 - θ tan θ sec θ tan 90 - θ तो इसकी तुसी कैलकुलेशन करनी है। sin 90 - θ सानू पता ये हो जाता जी cos θ, उस तो बाद tan θ नूं असीं लिख सकते हैं cos θ - sin θ, sec θ लिख सकते हैं 1 - cos θ, tan θ अगे बन जाएगा साढ़े को जी cot θ, तो cot नूं असीं लिख सकते हैं cot नूं असीं लिखांगे cos / sin θ,
तो ए साढ़े कोल कैंसल हो जाएगा, कोस ना कोस कैंसल हो गया, तो ए आंसर आ जाएगा साढ़े कोल वन आंसर आ जाएगा। एक बार फिर कर लो तुसी, साइन 90 माइनस थीटा ए आ गया साढ़े कोल कोस थीटा, तो ए आ गया साढ़े कोल टैन थीटा, इनू अद्दा ही रहन दो। सीकेंड नू तुसी कर सकते हो वन वाई कोस थीटा, तो ए आ जाएगा साढ़े कोल टैन थीटे का की होंगे जी कोट थीटा, तो कोस ना कोस कैंसल हो गया, तो कोट नू असी चेंज कर सकते हैं वन वाई टैन थीटा, तो टैन ना टैन भी कैंसल हो जाएगा, आंसर थोड़े को आ जाएगा वन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर जा चुके हैं, जिससे विच है कि हनेरी चलन दे नाल दो हिस्सों विच टुटे दरख्त का उपरला हिस्सा धरती नाल 30 डिग्री का कौन बनाता है। दरख्त का उपरला सिरा जिस जगह पर धरती नू छूंदा है तो उस जगह दरख्त की जड़ तो 30 मीटर की दूरी है, तो दरख्त की कुल ऊंचाई करनी है। तो जिवें तुसी देख सकते हो, ये अगर दरख्त है तो दरख्त इत्थे डिग जांदा है, इत्थों दी टुट के नीचे आ जांदा, तो यह वाला जो पोर्शन है तुहाडा यह नीचे आ जाएगा। तो इस तरह तुहाडे कोल एक डायग्राम बनेगी और जिस दे विच जिहड़ी असी हाइट निकालनी है दरख्त की, वह हाइट आएगी साडे कोल पहले असी बी सी कैलकुलेट करके और ए सी दोनों की हाइट जो कैलकुलेट करके दोनों प्लस करांगे तो साडे कोल टोटल हाइट आएगी ट्री की। तो इस तरह साढ़े को डायग्राम बनेगी, तो असी फार्मूला लगा लें, पहला आ जाएगा बी सी बाय ए बी, तो ए बी साढ़े को कितना 30 है, तो एक बन जाता टैन 30, टैन 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 आ जाएगी। तो जो असी कैलकुलेट करांगे तो बी सी की वैल्यू आएगी 30 बाय अंडर रूट 3, उस तो बाद जो असी ए सी कैलकुलेशन करांगे तो ये आ जाएगा बी सी बाय ए सी, ये बन जाता साढ़े को जी साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो ये ए सी की वैल्यू आ गई 60 बाई अंडर रूट 3। तो असी टोटल इसकी लेंथ कैलकुलेट करने वास्ते बी सी प्लस ए सी करांगे, ये आ जाएगा 30 बाई अंडर रूट 3 प्लस 60 बाई अंडर रूट 3 प्लस करांगे, ये आ जाएगा 90 बाई अंडर रूट 3। तो इनू रैशनलाइज करांगे अंडर रूट 3 के नाल, तो ये साढ़े को आ जाएगा 90 अंडर रूट 3, तो नीचे 3 आ जाना कैंसल हो जाना, ये आ जाएगा 30 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू आती है 1.73, जो 30 नू मल्टीप्लाई करांगे 1.73 दे नाल, तो साढ़े को आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा 90.96 मीटर, इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 है, जिस दे विच तुसी दिख सकते हो स्क्रीन दे विच कि स्केयर रूट है 1 + sin 30/2, तो इसका मूल पता करना है। तो साइन 30 की वैल्यू होंगी है 1 + 2, तो नीचे 2 आ जाएगा, यदि कैलकुलेशन करांगे तो साढ़े को आएगा अंडर रूट 3/2। इस तरह तुसी कैलकुलेशन करके इसका जो आंसर है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली एक तार नू जेकर वर्ग तार दे चक्कर नू मोड़ के एक वर्ग की शक्ल दी जाए तो वर्ग की भुजा दसनी है किन्नी होएगी। तो पहला साढ़े को आ जाएगा एक चक्कर आ जाएगा और चक्कर का रेडियस अर्धव्यास दिता 42, तो सब तो पहला असी इसका सरकमफ्रेंस यानी कि पैरीमीटर कढ़ांगे और जिसका फार्मूला 2πr, तो जो इसकी कैलकुलेशन करांगे 2 × 22/7 × 42, तो यह कैंसल करके 6 आ जाना, तो यह साढ़े को आएगा 44 × 6। यदा अगर असी पैरीमीटर लीए तो यही पैरीमीटर किस इक्वल होएगा वर्ग दे, क्योंकि इसनों ही तोड़ के वर्ग बनाया गया, दोनों का पैरीमीटर जो है सेम होएगा। तो वर्ग का पैरीमीटर होंगे 4 × a, तो a बराबर किस दे आ जाएगा जो असी कैलकुलेशन की है 44/6। जो इस दे विच असी a दी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 44/6 नीचे 4 आ जाएगा, तो 11 नाल कैंसल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 66, 11 × 6 आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाल दित्ती हुई तस्वीर दे विच रंगदार खेत्रफल कढ़ना है, तो ये एक सर्कल है और एक तुहाडे कोल स्क्वेयर है, तो पहला असी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके और स्क्वेयर के एरिए यानी सर्कल के एरिए असी जदों स्क्वेयर का एरिया जो है वह माइनस करांगे तो साढ़े को आंसर आ जाएगा 28 cm². नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संभ लंब चतुर्भुज है पैरल साइड्स ऑफ ट्रेपेज़ियम जिस दे विच भुजावां हन 85 मीटर ते 63 मीटर, तो इसकी ऊंचाई जड़ी है 36 मीटर, तो खेत्रफल कढ़ना है। तो समलंब चतुर्भुज का
जो दिया समानांतर भुजावां इसका जो एरिया कढ़न का फार्मूला हुंदा एक वटा दो हुंदा है, तो समानांतर भुजावां का जोड़ वो आ गया 185 है, तो एक साढ़े को 63 है, गुणा कर दें असी उचाई के नाल, उचाई कितनी है 36। तो जो तुम कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन बी आ जाएगा, 26-64 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक कैलकुलेशन करोगे तो थोड़े को आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मीटर किनारे वाले घन का आयतन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो घन के विच तुहानू पता सारिया साइडा जड़ियाँ सेम होंदियां, तो वॉल्यूम विच की असी फार्मूला लगाने, वॉल्यूम होंदा लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट, तो 4 × 4 × 4 आ जाएगा, तो साढ़े को आएगा 64 मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 है, जिस 15 मीटर गुना 1.8 मीटर इंटू 37.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने लिए 25 सेंटीमीटर तो यह डिमेंशन दिती है, इस किनिया इटा लगन गया, तो इस तुसी करना सब तो पहला वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, पहला वॉल्यूम कर लो वॉल का, उस तो बाद वॉल्यूम कर लो ब्रिक का, जो टाइल लगनी है उस दे विच, उस ब्रिक का तुसी वॉल्यूम, वॉल दे वॉल्यूम नू जो ब्रिक का वॉल्यूम है उहदे नाल डिवाइड करोगे, थोड़ा को नंबर ऑफ टाइल जिहड़ी आ जाएगी। और जो तुसी क्वेश्चन करना इस दे विच यूनिट सेम कर लेना, पहला जो यूनिट दीवार का वह मीटर दे विच है, और टाइल का जो यूनिट है वह सेंटीमीटर विच दित्ता, बस तुसी यूनिट इक्वल कर लेना, और दीवार दे वॉल्यूम नू जो तुसी इट दे वॉल्यूम दे नाल डिवाइड करोगे तो थोड़े को नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहलियां 10 ओड नंबर यानी कि टॉक प्राकृतिक संख्या का मध्यमान करना है, ओड नंबर, तो ओड नंबर सानू पता है पहले 10 लैने हैं, 1 आ गया 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ते 19, इनू जो असी प्लस करांगे ते साढ़े को आना 100, ते इनू डिवाइड किन्ना करना है क्योंकि किन्नियां संख्या साढ़े को जी 10 है, 10 डिवाइड करांगे ते आंसर किन्ना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 है, जिस दे विच है ये वैसे सिलेबस विच नहीं है क्वेश्चन, असी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेठ लिखिया विचों 30 अध्यापकों की उम्र की बारंबारता है, इस दे विच असी क्लास मार्क कढ़ना है, सैकेंड क्लास मार्क। तो क्लास मार्क इदा कढ़ते हैं जिस तरह तुसी क्लास इंटरवल देख रहे हो सैकेंड वाला 30 और 37 है, इन दोनों नूं असी प्लस करते हैं और 2 दे नाल डिवाइड करांगे, साडे को आ जांदा क्लास मार्क। तो इनू जो असी प्लस करांगे तो साडे को किन्ना आ जाएगा, ये आ जाएगा 68 है, तो इनू जो असी डिवाइड करांगे साडे को आ जाएगा 34, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साडे को ट्राइंगल है ए बी सी, जिस दे विच पैरलल है साइड डी ई पैरलल बी सी दे है, और इहदे विच असी एक्स दी वैल्यू कढ़नी है, तो थेल्स थ्यूरम का फार्मूला लगावेंगे, और थेल्स थ्यूरम विच जदों साढ़े को डी ई पैरलल बी सी होंदी है तो इस इक्वेशन विच साढ़े को आ जाएगा ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, दोनों सारे की वैल्यू सानू गिवन है, ए डी साढ़े को 2 है, डी बी साढ़े को 3 है, ए ई एक्स माइनस 2 है, तो ई सी साढ़े को एक्स प्लस 2 है। तो जो असी इसकी कैलकुलेशन करांगे तो साढ़े को आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी 10 इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिकोणों का खेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर 81 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उन्होंने क्रमवार भुजावां की अनुपात पढ़नी है। तो ये फार्मूला होंगे साढ़े को, अगर साढ़े को 2 सिमिलर ट्राइंगल है तो उसकी रेशो जिमें कि असी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी है, उसकी रेशो आ जाएगी ट्राइंगल सी डी ई, इन की रेशो जी कोरसपोंडिंग साइड के स्क्वेयर के इक्वल होंगी है, तो यद एरिया सानू गिवन है, तो यद एरिया कि आ गया 49 और 81, तो कोरसपोंडिंग साइड अगर असी ए बी का स्केयर उधरों सी डी का स्केयर कर लें, तो अगर असी साइड कढ़नी है तो यह स्केयर रूट बन जाएगा इधर आगे, और इसका आंसर आ जाएगा 7:9 इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। और इस ही क्वेश्चन है इस फार्मूले के नाल रिलेटड है कि अगर 2 समरूप त्रिकोणों दियाँ क्रमवार भुजावां 1:3, 1:3 है, जिस जेकर वड्डी त्रिकोण का खेत्रफल 360 है तो छोटी का कितना होएगा, तो उसी सेम ही फार्मूला लगाओगे जो असी पहले क्वेश्चन च लगाया, एक का एरिया आ गया 360, दूसरे का एरिया असी कैलकुलेट करना है, रेशो कितनी आ गई उसका स्क्वेयर करांगे 1/9, तो कैलकुलेशन करोगे इसका आंसर आ जाएगा जी 40 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा।
नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसके है कि जेकर समान अंतर चतुर्भुज के विकरण आपस में लंब हो असी की कहेंगे। तो ये अगर साढ़े को समान अंतर चतुर्भुज है ये आपस में लंब होवेंगे तो इनू असी की कहने जी, इनू असी कहने जी रोमबस या तुसी कह सकते सम चतुर्भुज, की कहेंगे सम चतुर्भुज। नैक्सट क्वेश्चन है 91 है, जिस चित्र दिता है कि ए बी सी डी है जिस समान अंतर चतुर्भुज एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और जो समान अंतर चतुर्भुज है तो ये हो गया साढ़े को अल्टरनेट एंगल जोड़े इक्वल होंगे। हुण अल्टरनेट एंगल आ जाएगा कि साढ़े को 28 है तो यह किसे इक्वल होएगा 7y दे, अगर असी y की कैलकुलेशन करांगे 28/7 तो किन्ना आ जाएगा 4। तो y की वैल्यू कि आ गई जी 4, तो x की वैल्यू तो ही कैलकुलेट कर सकते हो और y की वैल्यू आ गई 4 तो x की भी सेम करोगे 12x का अल्टरनेट एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कढ़ोगे 60y 12 करोगे तो किन्ना आ जाएगा 5। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आ जाएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन है 92 है, जिस विच एक तस्वीर है ए बी सी, कह रहा है कि त्रिभुज है जिस विच सारियां भुजावां बराबर हैं तो बी डी सी ते बी ई सी का मान कैलकुलेट करना है। और इस सारियां भुजावां बराबर हैं तो यदा मीनस कौन केड़ी त्रिभुज होंगी है साढ़े को होंगी है जी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ईच कौन हों कि हों 60 डिग्री। तो इस दे विच एंगल सानू गिवन दिता बी डी सी, ये एंगल साढ़े को आ गया 60 डिग्री। तो बी ई सी कैलकुलेट करना है तो साढ़े को फार्मूला होंगे, ये फार्मूला आ जाएगा कि जो जड़ा एंगल साढ़े को बार बनता है तो ये आ जाएगा इधर सम ऑफ कितना आ जाना 180 डिग्री। तो ए वाला एंगल तो साढ़े को आ गया 60 डिग्री, क्योंकि ए एंगल ऑन सेम सेगमेंट वाला थ्योरम लग रहा है ये। तो अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 है तो उसका दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो उस दे विच एंगल डी और ई नूं जदों असीं सम करांगे एंगल डी और ई दा सम किन्ना आ जाएगा 180 डिग्री। तो जिस दे विच डी दी वैल्यू 60 है तो ई दी वैल्यू असीं कैलकुलेट कर सकते हैं तो ई दी वैल्यू किन्नी आ जाएगी 120। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है 93 है, जिस दे विच है कि डी ए ई एक त्रिभुज है ए बी सी दे बाहर खिचे चक्कर नूं ए बिंदु ते स्पर्श रेखा एंगल 1 है जो 50 डिग्री है तो ए बी ते ए बी और ए सी इक्वल है तो बी ए सी कैलकुलेट करना। तो सानू पता जिहड़ी टेजेंट होंदी है टेजेंट जिहड़ी है वह सेंटर दे जिहड़ा कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो इस दे विच ए जिहड़ी है वह टेजेंट है। तो एंगल ए जिहड़ा इत्थे 50 डिग्री है तो यह कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का बनना है। तो यह मीनस 90-50 करांगे तो यह वाला एंगल कितना आ जाएगा जी 40 डिग्री, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल बी ए सी ए तो आ गया साढ़े को 40 डिग्री। उस तो बाद असी एंगल कैलकुलेट करना है ए बी सी, ए वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो ए अगर दो साइडा सानू पता है ए बी तो ए सी इक्वल है ये दोनों ही एंगल आपस इक्वल होंगे। अगर एक एंगल असी एक्स कर लें तो दो एंगल किन्ने होंगे एक्स एक्स 2x प्लस एंगल कितना आ जाएगा 40 इज इक्वल टू आ जाएगा 180 दे और 2x इज इक्वल टू 180-40 तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 140 और x की वैल्यू कैलकुलेट करांगे 140/2 तो यह आंसर आ जाएगा साढ़े को 70 डिग्री इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को 94 है, जिस दे विच है कि नाल लगी तस्वीर विच ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है जिस दे विच ए बी चक्कर का ब्यास है तो ए डी सी 140 है डायग्राम दे 140 डिग्री है तो बी ए सी का यानी ए वाला एंगल तुसी कैलकुलेट करना है बी ए सी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिस दे विच सानू एक एंगल सानू ए डी सी दिता 140 डिग्री और ए वाला एंगल जो एंगल बन रहे साढ़े को ए सी बी ए एंगल है 90 डिग्री। इन्हों से कहने एंगल मेड इन सैमी सर्कल, सैमी सर्कल दे विच जो एंगल बनता है सैमी सर्कल ऑफ सर्कल दे विच जिहड़ा एंगल बनता है वह 90 डिग्री का होंगे। तो उस तो बाद ए वाला एंगल 40 डिग्री है डी वाला तो इस दा ऑपोजिट एंगल दोनों एंगलों का सम जिहड़ा 180 होंगे तो यदा डिफरेंस कितना आ जाएगा 40। तो एक एंगल साढ़े को आ गया जी 90, एक आ गया 40। तो एक एंगल असी बड़ी आसानी दे नाल कैलकुलेट कर सकते हैं 90+40 यह आ जाएगा 130 तो टोटल इनू असी 180 दे इक्वल करांगे तो 180 विच 130 माइनस करांगे साढ़े को 50 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द
राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है 95 है, जिस दे विच है कि जे वेच मुल ज़्यादा होवे खरीद मुल नालों तो उस केस विच की हुंदा है, लाभ हुंदा है। अगर खरीद मुल ज़्यादा होए वेच मुल नालों तो उस केस विच हानि हुंदी है, तो इस केस विच वेच मुल ज़्यादा है, इस कारण इस केस विच की होएगा, लाभ होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है 96 है, जिस दे विच एक कमीज़ का अंकित मुल 250 है, जेकर 250 रुपये इस विच विक्री कर होवे तां विक्री कर दी दर किस दे बराबर होवेगी। तो अगर विक्री कर 20 है तो उसका अंकित मुल 250 है, तो इसे ही परसेंटेज निकालांगे, जीरो ना जीरो कैंसल हो जाएगा, तो ये जीरो ना जीरो कैंसल कर लो, 5 2 का 10 कर लो, 5 5 20, 5 4 का 20, तो 5 2 8, तो इसका कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर तुसी एक्स 5x प्लस 9 बाई 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इनू तुसी बड़ी आसानी दे नाल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आ जाएगा साढ़े को 2 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 9, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो को x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ऑप्शन बी इज द जो है राइट आंसर आ जाएगा। और नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को, क्वेश्चन नंबर 100 है, जिस दे विच है कि दो राशियां दा अनुपात है 3:4, जेकर दोवों राशियां विच 5 जोड़ दिता जावे तो अनुपात जिहड़ा 7:9 हो जाता है, तो राशियां की होनगियां, तो इसनों असी बड़ी आसानी दे नाल कैलकुलेट कर सकते हो। तुसी दिख सकते हो कि अगर असी रेशो पहला लैने एक्स वाई रेशो लैने तो वह किसके बराबर है 3/4, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 4x-3y। दूसरे विच इहदे विच अगर असी 5 ऐड कर दिंदे आ एक्स प्लस 5 ते वाई प्लस 5, ये आ जाती रेशो 7/9, तो इनू भी जदों असी क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो इक्वेशन आ जाएगी 9x-7y इज इक्वल टू -10। तो जदों असी एलीमीनेशन मैथड के नाल इनू असी कैलकुलेशन करांगे तो इसका आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 40, तो ये इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना, अगर तुम इस चैनल के नवे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, जय हिंद।